नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आपके सामने कुछ बहुत ही खास लेकर आए हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब भगवान को उनके मंगल स्वरूप से बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वो मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवत की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नियमों का पालन ना करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है। इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता को एक विशेष रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियाँ अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियाँ शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है, पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में हो, सही तरीके से रखा हुआ हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है तो हमारे जीवन और घर पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसी करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में
पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं रखने चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर भी नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी है। आइए अब जानते हैं कि पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में ही आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती। इसलिए पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियम का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की आप कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आए। अगर आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर हाथ की मूर्ति रख देते हैं ये अत्यंत शुभ होता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए अगर आप महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो वो अत्यंत लाभदायक होती है। महालक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल साबुत होने चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। पूजा घर में मूर्ति रखें या नहीं रखें, लेकिन आपको बता देते हैं कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी की मूर्ति होना किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखिए। यदि घर परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते रहते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इससे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे शिवलिंग ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग रखते समय ये बात ध्यान में रखें, अगर आप नित्य शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं तभी घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को रोज जल और दूध से अभिषेक करना अवश्य होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं रख पाते तो आप भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अब जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियों को नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा जी की ओर से श्री कृष्ण का जोड़ा
प्रेम की अनूठी मिसाल माना जाता है। दोनों ही संयुक्त मूर्ति रखने से ग्रह कलेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पूजा पद्धति में थोड़ी विविधता लाते हैं। भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में किसी अन्य स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश की तस्वीर लगा सकते हैं। पूजा घर में इन तीनों मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मा देव की मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पति और पत्नी के कमरे में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति रखना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वे अपने रूम में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी को ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जिस स्थान पर प्रतिक्रिया की जाती हो। पति पत्नी को अपने कमरे में श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं है, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा में मृत परिजनों की अथवा अन्य साधु संतों की तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है, आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव, महाकाली आदि की तस्वीरें अथवा मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना के लिए की जाती है। इनकी पूजा करना अत्यंत कठिन होता है और कोई भी साधारण मनुष्य इनकी पूर्ण विधि से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में चूक होने पर अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पूजा घर में इन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं, मनी मन इनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इन सब के अलावा ये बात भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में किसी देवता की उग्र अवस्था वाली तस्वीर अथवा मूर्ति ना रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें प्रसन्न मुद्रा वाली होनी चाहिए, आशीर्वाद देती हुई होनी चाहिए। लड़ाई और युद्ध की तस्वीरें भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहें ताकि पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इसका असर पूरे परिवार पर होगा। अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में केवल एक मूर्ति रखें जो आपके आराध्य हैं अथवा कुल देवता की है। बहुत सारी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा ना करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने घर में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।